आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास टेंथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंसेस वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग पावर ऑफ लेंसेस के बारे में पढ़े थे, है ना। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता क्या है, उसका मेजरमेंट और वो किस तरह से फोकल लेंथ पर डिपेंडेंट होता है, वेरी करता है, उस चीज को हम लोग पढ़े थे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस पर है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पावर ऑफ अ लेंस, मीन्स हम लोगों का जो आज न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है वो किस पर है, पावर ऑफ अ लेंस पर, है ना। मीन्स लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे पावर ऑफ अ लेंस, उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। मीन्स किसी एक कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और वो इमेज कैसा बन रहा है, वो सेम साइज का इमेज बन रहा है ना। तो पूछा जा रहा है इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। कंडीशन दिया हुआ है क्या कि जो इमेज बना है वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना है ना। तो पूछा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एंड नेक्स्ट वन दैट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, है ना। पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड किया गया है वो भी आपको बताना है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक रफ स्केच बना रहे हैं हम लोग, है ना। रफ स्केच किसका बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस का, है ना। ये कन्वेक्स लेंस है ना, और कन्वेक्स लेंस का दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द 2F पॉइंट, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेकंड फोकस एंड दिस इज द सेकंड 2F पॉइंट, है ना। हम लोग कह सकते हैं दिस इज एफ डैश एंड दिस इज 2F डैश, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। बोला जा रहा है कि इस कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो सेम साइज का इमेज बन रहा है ना। कैसा बन रहा है, सेम साइज का इमेज बन रहा है। अब सेम साइज का इमेज कन्वेक्स लेंस में कब बनता है, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने से बनता है, ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो था कन्वेक्स लेंस का उस वाले टॉपिक पर पढ़ चुके हैं, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग और इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़े हैं कन्वेक्स लेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इस पॉइंट 2F डैश पे रखा जाए, है ना, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो 2F डैश पर बनेगा जो कि सेम साइज का इमेज होगा, है ना। मींस जो भी ऑब्जेक्ट को इस 2F डैश पॉइंट पर हम रखेंगे हमको जो इसका इमेज है वो मिलेगा 2F पॉइंट पर और वो इमेज जो होगा वो सेम साइज का इमेज होगा, है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। मींस इस ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज का जो दूरी है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, है ना। मींस हम लोग कह सकते हैं द वी इज 40 सेंटीमीटर, है ना। वी इज 40 सेंटीमीटर, वी इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं
कि जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, 2F पॉइंट पर बनेगा, है ना। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बनेगा वो 2F पॉइंट पर बनेगा, तभी वो इमेज सेम साइज का होगा, है ना। तो देखिए हम लोगों का इमेज कहां पर बन रहा है, 2F पॉइंट पर बन रहा है, है ना। तो देखिए इस ऑप्टिकल सेंटर से ये 2F पॉइंट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, है ना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें आगे बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना। मींस हमको ये दूरी पता है, अब हमको ये दूरी बताना है, दैट इज द फोकल लेंथ, है ना। और इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो हम लोग जानते हैं, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2 × f, है ना। मींस वी कैन राइट दैट f विल बी R/2, है ना। देखिए ये R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 2F पॉइंट पर है, है ना। मींस हम लोग इस ऑप्टिकल सेंटर से इस 2F वाले पॉइंट तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द व्हाट, 2 times ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो वी कैन राइट दैट द फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, and here the radius of curvature is what, 40 centimeter, and it will be divided by 2 and we will get the focal length, that is 20 centimeter, hai na. Means we can say that the focal length of this convex lens is what, 20 centimeter, hai na. Now we have to find out the power of the lens, hai na. So, for finding out the power of this convex lens, we have an expression, that is P is equals to 1/F. And P is equals to 1/F. So, we can write that 1/20 centimeter. है ना। और इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0.2 meter, 1/0.2 meter, and this will give us what, 5 diopter. Means we can say that the power of the lens will be what, 5 diopter, hai na. Means the power of this convex lens will be what, 5 diopter, hai na. अगला इसमें पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, है ना। ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर प्लेस्ड किया गया है, तो हम लोग फिगर से इस चीज को बता सकते हैं कि जो सेम साइज का इमेज बनेगा उस समय हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, 2F' वाले पॉइंट पर रखेंगे, जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, है ना, क्योंकि ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। मींस ये आर है तो ये भी तो आर है, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इज व्हाट, 40 सेंटीमीटर। दैट इज मींस द नेक्स्ट आंसर विल बी व्हाट, 2F' will be equals to 40 centimeter, that is equals to the object distance, है ना, that is equal to the object distance, है ना। तो in this numerical we have find out the focal length of this convex lens, the power of this convex lens and the position of the object, है ना। हम लोगों को तीन चीज निकालने के लिए बोला गया था, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस, दैट इज 20 सेंटीमीटर हम लोग निकाल के यहां पर बताएं, द पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस दैट इज 5 diopter हम लोग यहां पर निकाल कर बताएं, और इस पर हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना था जिसको हम लोग 40 सेंटीमीटर निकाल कर दिखाएं, है ना। अब चलते हैं हम लोग आज के दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। नाउ आवर सेकंड न्यूमेरिकल इज व्हाट, नाउ कैलकुलेट द पावर ऑफ द आई लेंस ऑफ द नॉर्मल आई व्हेन इट इज फोकस्ड एट इट्स
केस वन व्हाट फार पॉइंट इन्फिनिटी पे है ना, सेकेंड नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज, एज्यूम द डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस टू बी 2.5 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोगों को जो है एक नॉर्मल आई के जो लेंस होते हैं उस लेंस के पावर को निकालना है ना, उस लेंस के पावर को निकालना है और उसका दो कंडीशन में हमको पावर निकालना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है ना, तब जो है उसका पावर क्या होगा, और दूसरा जब वो ऑब्जेक्ट को जो है 25 सेंटीमीटर अवे रख रहा है आई से तब उसका पावर कितना होगा है ना। तो हम लोगों का जो आई है उसमें किस टाइप का लेंस पाया जाता है, उसमें जो है वो कन्वेक्स लेंस ही पाया जाता है ना। तो अब जो है ये इन्फिनिटी वाला केस में है ना, जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगा इस कन्वेक्स लेंस पे उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा है ना। तो अब जो ये फोकस है ये हमारा कहाँ होगा, ये रेटिना ही होगा है ना, मीन्स आई में जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है ना। तो ये जो है फोकस वाला पॉइंट रेटिना होगा हमारा है ना। तो देखिए ये रेटिना जो है वो कहां पर है, एज्यूम द डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस टू बी 2.5 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइट रे जब फार पॉइंट इन्फिनिटी से आता है ना, कन्वेक्स लेंस के केस में जो इन्फिनिटी से आता हुआ लाइट रेज है उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, और ये फोकस पे बन रहा है तो ये रेटिना ही है ना, ये रेटिना पर ही इमेज बनेगा हमारे आई पर है ना, और उस रेटिना का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर है ना। इसी तरह मीन्स इसके हेल्प से हम लोग ए वाले सेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज पावर विल बी इक्वल्स टू 1/f है ना, एंड हियर f इज व्हाट 2.5 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट दैट 2.5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर एंड इट विल बी व्हाट 1000/25 है ना, एंड इट विल गिव अस 40 डायोप्टर है ना। मींस इन सेक्शन ए वी कैन राइट द आंसर, मींस द पावर ऑफ द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी विल बी व्हाट 40 डायोप्टर, मींस इस केस में जो आई का लेंस का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा 40 डायोप्टर, जब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाएगा और उसका जो इमेज बनेगा रेटिना पर उस केस में जो है लेंस का पावर कितना हो जाएगा, आंख वाला लेंस का पावर 40 डायोप्टर हो जाएगा है ना। नाउ द सेक्शन बी कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन है ना। देखिए सेक्शन बी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे है ना, नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, मींस वी कैन राइट दैट द यू विल बी -25 सेंटीमीटर है ना। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से जो है लेफ्ट की ओर मेजरमेंट करेंगे जो है किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, इसीलिए ये -25 सेंटीमीटर होगा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया तो आप साइन कन्वेंशन वाले लेक्चर को देख सकते हैं, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा है ना। यहां पर जो है जो रेटिना है वहीं पर इमेज बनेगा हमारा है ना, तो सो वी कैन राइट द इमेज डिस्टेंस विल बी व्हाट 2.5 सेंटीमीटर है ना, 2.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, जो इस लेंस से रेटिना का जो दूरी है ना, यहीं पर तो इमेज हमारा बनेगा है ना, तो इमेज का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस है ना। तो हम लोग यहां पर इमेज डिस्टेंस को लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में होगा, क्यों, क्योंकि हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड की ओर इसका मेजरमेंट करेंगे है ना। तो देखिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है ना।
अब देखिए यहां पर 1/V का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2.5 सेंटीमीटर प्लस इट विल बी इन द प्लेस ऑफ यू वी कैन राइट 1/-25 सेंटीमीटर, है ना। अब जब इसको हम मीटर पर चेंज करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 100 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करने के लिए हमको सेंटीमीस 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 100/2.5 मीटर, और ये माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 100/25 मीटर, है ना, इस टाइप का हो जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा आ जाएगा 25, है ना, 25 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए यहां पर ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये 1000 प्लस यहां पर 100, है ना, एंड इट विल बी व्हाट, 1100/25 मीटर इनवर्स, है ना, एंड इट विल बी फॉर व्हाट, 1/F, इट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/F, एंड दिस 1/F विल बी रिटन एज द पावर ऑफ द लेंस, एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 44 डायोप्टर, एंड दिस विल बी द पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस in the situation that the object is placed 25 centimeter away from this convex lens, or we can say that the distance of the object from this eye is 25 centimeter, means इस आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा उस समय जो इमेज फॉर्मेशन होगा हमारे आई पर, है ना, वो कहाँ होगा, रेटिना पर होगा, और जो हमारा लेंस का पावर हो जाएगा उस समय कितना हो जाएगा, 44 डायोप्टर, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग पावर ऑफ लेंस वाले टॉपिक से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स को कर चुके, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, या फिर किसी तरह से कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।